हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सभी कैरेक्टर्स के क्वार्क्स को। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने सोचा कि एक नई सीरीज लेके आए जिसमें हम सभी कैरेक्टर्स के क्वार्क्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ मैं हर अल्टरनेट डे पे करता हूँ, यानी एक दिन एक्सप्लेनेशन की वीडियो और दूसरे दिन क्वार्क की एक्सप्लेनेशन की वीडियो। और इसमें मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। तो मैंने आई बटन पर पोल दिया है, तो उस पोल में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। ये क्या एनीमे एक्सप्लेन, आज के एक्सप्लेनेशन कहाँ है? मुझे पता है आप लोग नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कर रहे थे, मगर ये क्या आ गया? तो पहले मैं बता दूं, और या फिर आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं क्लास ए के बच्चों के क्वार्क्स के बारे में। मगर उससे पहले, क्वार्क क्या होता है? तो माय हीरो एकेडमी के वर्ल्ड में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक से एक दिन चाइना के एक सिटी में एक बच्चे ने जन्म लिया जो चमक रहा था। और उसके बाद सुपर पावर्स हर जगह देखे जाने लगे, मगर किसी को भी ये पता नहीं लगा कि ये सब स्टार्ट क्यों हुआ। तो वर्ल्ड के 80% लोगों के पास सुपर पावर आ गई, बाकी के 20 अनलकी थे। तो उन लोगों के सुपर पावर को नाम दिया गया क्वार्क। तो ये तो था क्वार्क का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं यूए हाई के स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी और उनके क्वार्क के बारे में। तो सीट बेल्ट लगा लो और अपने स्पेशल क्वार्क सुनने की शक्ति का यूज़ करो और ये वीडियो ध्यान से देखो। तो हम पहले बात करते हैं युगा आयोमा की। Unless we can face that which pains us, we can never truly spark. तो योगा आयोमा, जिसका हीरो नाम है शाइनिंग हीरो कांट स्टॉप ट्विंकलिंग। युगा काफ़ी स्लिम और फेमिनिन फेस का है, इसके बड़े और सुनहरे बाल हैं। एनीमे एक्सप्लेन, हमें पता है वो कैसे दिखता है, आप हमें सीधे उसके क्वार्क के बारे में बताओ। एक एपिसोड भी एक्सप्लेन नहीं किया और ऊपर से पका भी रहे हैं। ये रिचुअल होता है किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने का। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बड़े आईलैशेस और ब्राइट इंडिगो आइज उसे एक प्रिंस का अपीयरेंस देते हैं। और उसका हीरो कॉस्ट्यूम है एक ब्लैक बॉडी सूट जिसके ऊपर वो मेटालिक और गोल्डन आर्मर पहनता है, एक चेस्ट प्लेट, ब्ला 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 ब्ला। मैं भी बोर हो गया, हम सीधे बात करते हैं क्वार्क पे। तो उसका क्वार्क है नेवल लेज़र, जिससे वो अपनी नाभि से पावरफुल लेज़र कैनन शूट कर सकता है, जो इतना पावरफुल होता है कि वो 2 मीटर दूर खड़ी चीज़ों को भी ब्लास्ट कर सकता है। मगर अगर वो लेज़र को एक बार में 1 सेकंड से ज़्यादा यूज़ करता है तो उसके पेट में मड़ोड़े उठने लगती हैं। मगर यूए में ट्रेनिंग करते करते उसने अपने इस साइड इफेक्ट को कम करना सीख लिया है। और उसके बर्थ डिफेक्ट के कारण योगा को अपने क्वार्क को कंट्रोल करने के लिए एक बेल्ट पहनना पड़ता है। तो अब बात करते हैं इसके सुपर मूव्स की। पहला, नेवल लेज़र बफेट। इसमें आयोगा अपने लेज़र बीम को बस अपनी नाभि से ही नहीं बल्कि शोल्डर से भी शूट कर सकता है। इसका दूसरा सुपर मूव है नेवल सेबर। इसमें आयोगा अपने नेवल लेज़र को कॉन्सेंट्रेट करके उसे एक लाइट ब्लेड का शेप दे सकता है। और अब बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स की। तो इसका पहला इक्विपमेंट है स्पार्कल शेड्स, ये इसलिए ताकि आयोमा अपने ही चमक से अंधा ना हो जाए। और दूसरे नंबर पे स्पार्कल इनर। ये इक्विपमेंट काफ़ी हाईटेक है, जिसमें अपने नाभि के लेज़र को अपनी बॉडी में कहीं भी ले जा सकता है। दूसरे नंबर पर आती है मीना आशिडो। एनीमे एक्सप्लेन, हमें तेनिया, ओचाको, मिडोरिया, तोदोरोकी और तोकुयामी के बारे में जानना है, पहले उनके बारे में बताओ। अगर मैंने तुम्हें उनके बारे में पहले बता दिया तो तुम आधी वीडियो देखकर ही चले जाओगे। मीना आशिडो, द ओल्ड यू नॉट गोइंग एनीवेयर विद दैट ईमो लुक ऑन योर फेस। इफ यू ओवरकम दैट ग्लूमिंग सेल्फ ऑफ योर्स, लेट मी नो और एल्स आई स्टार्ट स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट हाई स्कूल डेप्थ मैन। मीना आशिडो, जिसका हीरो नाम है पिंकी, इसकी हाइट मीडियम है और इसके क्वार्क के कारण इसकी स्किन थोड़ी पिंक शेड की हो गई और स्क्वायर आंखें और येलो आइरिस के साथ। अगर बात करें इसकी पर्सनैलिटी की तो ये काफ़ी चेयरफुल है, जिससे इसके चेहरे पर एक बड़ी अजीब सी स्माइल होती है। इसे अपने दोस्तों के साथ घूमना काफ़ी पसंद है और इसका फैशन सेंस भी काफ़ी कमाल का है और इसे शॉपिंग करना पसंद है। मीना काफ़ी करेजियस है, जिससे वो हीरो काम करने के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें इसकी एबिलिटीज़ की तो पहला है शार्प रिफ्लेक्सेस और दूसरा डांसिंग टैलेंट, ये भी एबिलिटीज़ में ही आता है। अब बात करते हैं इसके क्वार्क की। तो इसका क्वार्क है एसिड, जो अपनी बॉडी से निकाल सकती है। मीना इसकी सॉल्युबिलिटी और विस्कोसिटी को भी कंट्रोल कर सकती है, मगर इसके क्वार्क की भी लिमिट है। अगर ये लिमिट से ज़्यादा अपने क्वार्क को यूज़ करती है तो इसके बॉडी का नेचुरल कलर धीरे धीरे कम होने लगता है। और अगर बात करें इसके सुपर मूव्स की तो पहला है एसिड वेल। मीना अपने एसिड की सॉल्युबिलिटी और वैसोसिटी को बढ़ाकर एसिड की एक दीवार खड़ी कर सकती है, जिससे ये अपने सामने आने वाली किसी भी चीज़ को रोक देती है। और दूसरा इसका सुपर मूव है एसिड शूट, मीना एसिड्स के बुलेट को शूट कर सकती है। और तीसरा एसिड लेबैक, मीना अपने पैरों से एसिड निकाल सकती है जो ग्राउंड से मिलकर सरफेस को सुपर स्लिपरी बना देता है, जिससे वो आसानी से स्लाइड कर सकती है। अब बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स की। तो इसका पहला इक्विपमेंट है एसिड प्रूफ शूज। मीना एक स्पेशल तरह के शूज पहनती है जो उसके एसिड से डैमेज नहीं होते। और दूसरा एसिड प्रूफ आउटफिट। अगर शूज एसिड प्रूफ हैं तो आउटफिट भी तो होना ही चाहिए ना।
नंबर 3 पर हम बात करते हैं टिसुजू आसुई की। वी आर ऑल सेलिंग शॉक ओवर पाकुओ किडनैपिंग। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कामली। इट डजेंट मैटर हाउ राइटियस आर फीलिंग्स आर। इफ वी स्टार्ट अनदर फाइट, इफ वी ब्रेक द लॉ, देन वी आर बेटर देन द विलन्स। टीसु आसुई, जिसका हीरो नाम रेनी सीजन हीरो फ्रॉपी है। आसुई एक शॉर्ट गर्ल है जिसका हाथ काफी बड़ा है। उसका अपीयरेंस एक फ्रॉक से मिलता है और उसके हाथ के साथ साथ उसका मुंह भी काफी बड़ा है और उसकी आंखें ओवल शेप की हैं। आसुई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है और जो भी उसके दिमाग में आता है वो बेझिझक बोल देती है। आसुई अपने आप को टीसु बुलाना पसंद करती है, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्हें वो अपना दोस्त मानती है। अगर बात करें इसकी कॉर्क की, तो इसका कॉर्क है फ्रॉग। तो वो लंबा कूदना, अपने जीप को लंबा करना, दीवार से चिपकना, अपने पेट को अलग करना और अपने शरीर से टॉक्सिक निकालना और कैमोफ्लाजिंग कर सकती है। अगर बात करें सुपर मूव्स की, तो पहला है कैमोफ्लाजिंग। आसुई अपनी बॉडी को अपने आसपास के टेम्परेचर और कलर के साथ मर्ज कर सकती है। एक मिनट, ये तो मेंढक है ना। दूसरा, मीटियर स्ट्राइक। इसमें आसुई और आशीटो साथ मिलकर चीज़ों को फ्लोट करके दुश्मनों पर फेंकते हैं। और अगर बात करें इसके इक्विपमेंट्स की, तो इसके पास कैमोफ्लाजिंग कॉस्ट्यूम है। अब बात करते हैं लीदा तेनिया की। आई एम अ नोविंस, आई कांट मेजर अप टू देयर स्टैंडर्ड्स, बी दैट एज इट मे, आई हैव टू स्टैंडर्ड अप, नेवर अगेन, नेवर अगेन विल दे और माई ब्रदर लीव बिहाइंड मी इन द डस्ट। तेनिया लीदा, जिसका हीरो नाम इंजीनियम है। एक मिनट, एनीम एक्सप्लेन, एपिसोड 13 में उसने क्लास के दौरान अपना हीरो नाम तेनिया बताया था। क्या तुमने एपिसोड 15 नहीं देखा? अगर बात करें इसकी पर्सनैलिटी की, तो तेनिया टॉल और मस्क्यूलर है। इसके हेयर शॉर्ट और डार्क ब्लू है। तेनिया पहली नज़र में गंभीर, बेफिक्र और डराने वाला लग सकता है, मगर वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंटेलिजेंट है। और अगर बात करें इसके कॉर्क की, तो इसका कॉर्क है इंजन। इसके पास कार जैसा इंजन है जिससे इसे कमाल के स्पीड की पावर मिलती है और इसे रिफ्यूल करने की भी जरूरत पड़ती है, जो ये ऑरेंज जूस पीकर पूरी करता है। तेनिया के पास मल्टीपल गियर्स हैं, मगर अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि कितने, मगर अब तक जितना दिखाया गया है उसके हिसाब से इसके पास 3 या 3 से ज़्यादा गियर्स हैं। और अब बात करते हैं इसके सुपर मूव्स की। तो पहला है रिपो बस्ट। इसमें तेनिया अपने इंजन की स्पीड को सुपर बूस्ट कर देता है बस 10 सेकंड के लिए, मगर उसके बाद इंजन कुछ समय के लिए बैठ जाता है। और इसका दूसरा सुपर मूव है रिपो एक्सटेंड। रिपो बस्ट के आफ्टर इफेक्ट को कम करने के बाद ये और ज़्यादा एक्सेलरेशन हासिल कर सकता है। और अगर बात करें इसके इक्विपमेंट्स की, तो इसके पास है इंजीनियम बूट्स, जो इसके इंजन और डिवाइसेस को ठंडा रखता है, इंजीनियम हेलमेट और इंजीनियम मफलर। मफलर, इसे मफलर की क्या ज़रूरत। और अगली है ओचाको उरारा का। सो आई एम गोना बी हीरो, आई विल मेक मनी सो माय मॉम एंड डैड कैन लिव इजियर लाइफ। ओचाको उरारा का, जिसका हीरो नाम उराविटी है। ओचाको हाइट में छोटी और पतली है। दूसरे स्टूडेंट्स ओचाको की पर्सनैलिटी के बारे में कहते हैं, सबसे सुस्त लड़की। ओचाको काफ़ी चुलबुली और मजाकिया है, मगर कभी कभी वो गुस्सा हो जाती है, जो वो खुद भी नहीं जान पाती। अगर बात करें इसकी एबिलिटीज़ की, तो इसकी एबिलिटी के लिस्ट में पहला नंबर है गन हेड मार्शल आर्ट्स। ये इसने तब सीखा था जब वो गन हेड के साथ काम कर रही थी। और इसकी दूसरी एबिलिटी है टैक्टिकल इंटेलिगेट। हालांकि वो अपने क्लास की सबसे इफेक्टिव स्टूडेंट नहीं है, मगर वो फाइट के दौरान अपने एनिमीज के वीकनेस को आसानी से देख सकती है। और इसकी तीसरी एबिलिटी है मीटियर शार। इससे वो चीज़ों को हवा में उड़ाकर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। और अब बात करते हैं इसके कॉर्क की। उचाको का कॉर्क है जीरो ग्रेविटी, जिससे वो चीज़ों को हवा में फ्लोट करवा सकती है बस उसे छूकर। और वो इस इफेक्ट को कैंसिल भी कर सकती है अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर। अगर बात करें इसके सुपर मूव्स की, तो पहला है स्किल रिलीज। इसमें उचाको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर जो चीज़ उसने हवा में उड़ाई थी उसे कैंसिल कर सकती है। हालांकि ये सुपर मूव में काउंट नहीं होना चाहिए, मगर खैर। उसका दूसरा सुपर मूव है मीटियर शार। इससे वो बड़ी चीज़ों को हवा में उड़ाकर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, जिससे उसके नीचे आने वाली चीज की चटनी बन जाती है, बशर्ते वो कात्सुकी ना हो। उसका तीसरा सुपर मूव है मीटियर फेफरोट स्किट। इसमें वो आसुई के साथ मिलकर चीजों को फ्लोट करके उन्हें एनिमीज पर फेंकती है। उसका चौथा सुपर मूव है होम रन। इसमें ये भारी पिलर्स को टच करके उसे वेटलेस बनाकर एक बैट की तरह यूज करती है, जिससे ये होम रन मार सकती है। और अगर बात करें उसके इक्विपमेंट्स की, तो उसके इक्विपमेंट्स में है हेलमेट, रिस्ट, नेक और लेग गियर्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यूए के बाकी सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स और सभी को हम पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था पहला पार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।